I'm going to quickly cut across Arvind Oja, who's brought us this story and has been tracking this very closely. Arvind, please, हमें बोलिए कि ये ATS ने इनको इतनी देरी से क्यों बुलाया है? दो महीने तक ये बहुत खुशी से रहे ग्रेटर नोएडा में. अब एक राइट विंग हिंदू ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया कि उनको वापस भेजना है, ये स्पाई हो सकती है. तो अब ATS ने एक्शन लिया है, उनको बुलाया गया है. पुलिस का क्या कहना है आपके हिसाब से? ये क्या सिर्फ एक लव स्टोरी है या इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण है? नहीं देखिए नवीला, सबसे पहले मैं क्लेरिफाई कर दूं कि जब भी किसी फॉरेन कंट्री के पर्सन का मामला होता है, अगर कोई विदेशी घुसपैठी आता है, तो सबसे पहले सेंट्रल एजेंसीज ही पूछताछ करती हैं. सीमा गुलाम हैदर से सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम, उसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज की अलग अलग टीमें और खुद उत्तर प्रदेश ATS की टीम ने पूछताछ की थी. उसके बाद ही नोएडा पुलिस को दिया और नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसके बाद से ही सीमा और सचिन दोनों बेल पर हैं. अब उसके बाद नोएडा पुलिस ने एक बार फिर नोएडा ATS यूपी ATS को लिखा कि वो इस मामले की जांच करें, क्योंकि मामला एक पाकिस्तानी महिला से जुड़ा हुआ है. जिसके बाद ATS की टीम आई है और ATS की टीम फिलहाल जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उस वक्त सीमा गुलाम हैदर, सचिन और उसके फादर से ATS की टीम पूछताछ कर रही है. बकायदा जो कोर्ट है उसने बिल दिया था, उसने कहा था कि जो सीमा गुलाम हैदर है वो इंडिया छोड़कर अगर जाती है तो वो कंसर्न जो पुलिस ऑफिसर है उसको बताएगी, नंबर एक. नंबर दो, अगर वो अपने वो कोर्ट को बताएगी. अभी तक बात की जाए जासूसी का एंगल, जो पुलिस सोर्सेज वो बताते हैं जासूसी का एंगल नहीं मिला है अभी तक. ये एक लव स्टोरी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की लव स्टोरी पर भी बदल जाती है. फोन जो लिया गया था सीमा हैदर का, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया है सेंट्रल एजेंसी है. अब दोबारा से जो ATS की टीम है वो पूछताछ करेगी, क्या इनके जो बयान है, जो इनके स्टेटमेंट जिन्होंने नोएडा पुलिस को दिए थे, क्या उसमें कन्फ्रंटेशन है, कहां कहां ये गए, नेपाल से कैसे पाकिस्तान है, ये तमाम चीजें एस्टेब्लिश करेगी ATS की टीम पूछताछ के बाद. और अभी भी जो सीमा गुलाम हैदर है, सचिन है, उससे पूछताछ कर रही है ATS की टीम. जी अरविंद, थैंक यू वेरी मच. फॉर व्हाट वी हियर इज दैट सीमा हैदर्स हस्बैंड गुलाम हैदर हैज बीन रिक्वेस्टिंग टू सेंड सीमा बैक टू द कंट्री अलोंग विद द फोर किड्स, व्हाइल सीमा'स फैमिली ऑन द अदर एंड सेइंग दे डोंट वांट हर, दे जस्ट वांट द किड्स बैक. सो शी इज रियली फेस्ड इनफ बैकलैश फ्रॉम हर ओन कंट्री. बट इज दिस मोर देन जस्ट अ मियर लव स्टोरी? इनफैक्ट सीमा हैदर हैज स्पोकन एक्सक्लूसिवली टू इंडिया टुडे सुधीर चौधरी अलोंग विद हर हस्बैंड सचिन मीना, हू स्पोकन अबाउट देयर लव स्टोरी एंड ऑल दैट दैट वेंट बाय द वे द थिंग्स दैट लेड टू यूनाइटिंग देम. Listen into this excerpt of the conversation. आप यहां पर आई, यहां पर ज्यादातर लोग आपसे बहुत अच्छे से पेश आए. यहां मीडिया में भी देखिए रोज आपके आपके बारे में बात हो रही है. आपका जो पक्ष है उसे मीडिया दिखा रहा है पूरा, आपका जो आप जो कहना चाहती हैं. मान लीजिए आप सब कुछ छोड़कर सचिन के लिए यहां आई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आप वापस चले जाइए और सचिन को अपने साथ पाकिस्तान ले जाइए, या सचिन आपके लिए पाकिस्तान आ जाता, तो सचिन के साथ भी क्या ऐसा ही होता? इतने ही अच्छे से लोग पेश आते जितना आपके साथ हुआ, तब क्या होता? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. इसका उल्टा ही हो सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ गैरत की बात ज्यादा मानी जाती है. तो ये तो हिंदू थे तो इनके साथ बहुत बुरा होता. यही वजह है कि सचिन को मैंने पाकिस्तान आने से मना किया था. ये भी आने को तैयार थे, ऐसा नहीं है, पर मैंने ही इनको मना करा था कि नहीं, क्योंकि इनके हाथ पे भी ओम लिखा हुआ है और इनके साथ अगर ये पकड़े जाते इस तरह तो बहुत बुरा होता, शायद सचिन दिखते भी नहीं. सर सीमा, आप पाकिस्तान में रही अभी तक, अब आपको कुछ दिन यहाँ इंडिया में हुए हैं, दोनों जगह में आपको क्या अंतर महसूस हुआ? बहुत अंतर है सर, बहुत फर्क है. अभी मैंने इतना भारत देखा नहीं है, सिर्फ नोएडा रघुपुरा ही देखा है थोड़ा बहुत. और यहाँ के लोग जैसे प्यार करते हैं मुझसे, मेरे पास आते हैं, बहुत अच्छा लगता है. सचिन की मम्मी, सचिन के पापा और इनके बाबा, इनके बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे. ये चौथा दिन है आज, मैंने अपने बच्चों को प्यार नहीं करा, ये अपनी बुआ और चाचा के साथ ही रहते हैं, क्योंकि सारा दिन हम मीडिया में रहते हैं. अभी तक तो फिर बच्चे सो ही जाते हैं,
उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो हम कहीं और हैं या किसी और के घर में। पापा मम्मी को अपनी अपनी दादा दादी मानते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे। मेरे बच्चे यहाँ उनका इतना मन लग गया है कि वो कभी कहते भी नहीं कि कोई और थे हमारे, और हैदर को तो उन्होंने कभी याद भी नहीं करा। आप यहाँ वापस आई तो आपको ऐसा कभी लगा कि एक हिंदू के साथ आप, क्योंकि एक मुसलमान हैं, एक हिंदू के साथ आपके इस रिश्ते को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और या लोगों को कोई हिचक है आपको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आप दूसरे धर्म से आई हैं, और वो भी सबसे बड़ी बात पाकिस्तान से, जिसे भारत के लोग दुश्मन देश मानते हैं। सर यही तो खूबी है यहाँ के लोगों में, हिंदू मुसलमान सब मुझे आशीर्वाद देकर गए, दुआएं देकर गए, और सब इतना खुश हो रहे थे कि हमारी पाकिस्तान से भाभी आई है। तो बहुत यहाँ के लोग प्यार दे रहे हैं मुझे, कोई साड़ी दे रहा है तो कोई फूल ले आ रहा है, कोई लड्डू लेकर आ रहा है तो कोई 200 मेरे हाथ में थमा के जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, बस हुकूमत के फैसले का इंतजार है, और जब बिल्कुल जो चल रही मेरी जांच मतलब चल रही वो क्लियर हो जाए फिर जो फैसला होगा सर मैं मंजूर करूंगी। पर मुझे यकीन है कि मेरे हक में होगा, मुझे वापस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने खुद मुझे कहा कि अब ये पाकिस्तान की नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में। तो मुझे यकीन है कि भारत मुझे अपनी पनाह में रखेगा, अपने शरण में लेगा, क्योंकि मैं खुद को हिंदू बना चुकी हूँ और मैं भारतीय भी बन जाऊँगी, मन से तो बन गई हूँ, कानूनी भी बन जाऊँगी सर। एक और बात जो है जो अचंभे में डालती है लोगों को, और इसीलिए लोगों को आपके ऊपर शक भी होता है, एक 5वीं क्लास लड़की पहले तो अपना पासपोर्ट बनवाती है, उसके बाद कराची से फ्लाइट लेके शारजाह होते हुए, नेपाल होते हुए, अकेले अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आ जाती है। ऐसी लड़की जो इससे पहले कभी बाहर अपने घर से बाहर ना निकली हो, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, कैसे आई आप, और आपको ये डर नहीं लगा कि बीच में कहीं आप पकड़ी जा सकती हैं, किसी भी बॉर्डर पर आपको पकड़ा जा सकता है, और अगर आप पकड़ी गई तो ना पाकिस्तान वापस जा पाएंगी और ना हिंदुस्तान पहुंच पाएंगी, कैसे किया आपने ये? सर पहले तो वहाँ पे जो जहाँ मैं रहती हूँ कराची शहर में, वहाँ हर चीज़ है। पहले तो मैंने आधार कार्ड बन, क्योंकि ना मेरे पास आधार कार्ड थे, ना बच्चों के कोई कागज़ थे, ना मेरे पास पासपोर्ट थे,